सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाड़ा सारयां दा अपने यूट्यूब चैनल ते। अज आपां बनावांगे जी अमृतसरी वड़ी दी सब्जी। बहुत सौखे जे तरीके नाल मैं तुहानूं दस्सूंगी, ना ही आपां नूं बहुते समान की लोड़ आ, ना ही आपां इहदे च कोई मसाले पाउणे ने। यह सब्जी है जिहड़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बणूगी, जिहड़े नहीं खांदे उह वी खाणगे। जिन्नी इह देखण च सोहणी लगदी आ, उन्नी इह खाण च स्वाद होगी। यकीन मन्नियो तुसीं, इह इन्नी कु ज़्यादा स्वाद बणूगी वी नॉन वैज खाणा भुल जाओगे तुसीं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती आ। लो जी, सब्जी आपां बनावांगे चुल्हे ते। सब तो पहला आपां चुल्हे ते अग बाल लैने आ। गोहे मैं ला ले ते बालण ला के आपां अग मचा लांगे। ये सब्जी ते कोई बहुता टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनटां च बन के तैयार हो जाती है। ते ना ही इहदी कोई बहुती आपां लम्मी चौड़ी तैयारी करनी हुंदी आ। बस लसन गंढा लो ते सब्जी दी तैयारी हो जाती है। अग आपां बाल ली ते हुण आपां इहदे ते रखांगे कड़ाही। चार चुफेरे मैं गारा ला लिया कड़ाही दे, तां कि इह सड़े ना। जे तुसी मेरे चैनल ते पहली बारी आए तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करके जायो। लो जी, आपां समान चैक कर लैने आ। 3 किहे मीडियम साइज़ दे प्याज ले आलू लेने मैं, 3-4 प्याज लेने बरीक कट के, 2 लईयां ने अमृतसरी बड़ियां। ये लसण लई आ, हरी मिर्च लई आ, ते छोटा जिहा टुकड़ा लिया मैं अदरक दा, 1 टमाटर लिया। सब तो पहलां आपां बड़ियां नूं भन लाँगे। कोई इन्हां नूं बहुता बरीक करन दी लोड़ नहीं हुंदी, आपां थोड़ियां जिहा मोटियां ही रखांगे। तुसीं अपने हिसाब नाल कर लिओ, मोटी बरीक नाल इहदे स्वाद 'च फर्क नहीं पैंदा। बस जे आपां ज़्यादा बरीक कर दिए तां थोड़ा इह घुल जांदियां ने। फिर कड़ाही अपनी गर्म हो गई, हुण आपां इहदे 'च पाया सरों दा तेल। तुसीं कोई घिओ मर्जी घिओ तेल पा लिओ, जिहड़ा वी तुसीं कोई खाने हो। तेल अपना गर्म हो गया, हुण आपां इहदे 'च पावांगे जी जीरा। सिर्फ आपां जीरे दा तड़का लाउणा, होर आपां कोई मसाला नहीं पाउणा, कुछ नहीं पाउणा। ना आपां कोई धनिया पाउणा, ना आपां कोई अजवाइन पाउणी आ, ते ना ही आपां कोई राई वगैरह पाउणी आ, क्योंकि इहदे विच ऑलरेडी बहुत सारे मसाले हुंदे ने, आपां उहनां नूं वेट नहीं करना। ते हुण आपां इहदे 'च पा दांगे प्याज। सिर्फ 1 मिनट बड़ियां नूं भुनणा, तेल दे विच ज़्यादा नहीं भुनना, क्योंकि इह प्याज दे नाल वी भुज्जणगियां। 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟ 50 ਸਕਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੱਜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 1-1 ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਲਿਆ, ਸੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 50% ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਮੈਂ ਕੱਢ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਹੇ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਸਣ ਭੁੱਜਦੀ, ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਣਾ ਆਪਾਂ, ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਜੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ 2 ਆਲੂ ਲਓ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾਣ 'ਚ।
लो जी, हुण आपां नाल ही टमाटर भी पा दांगे। तुसीं आलू दी जगह इहदे च प्याज ज़्यादा पा सकदे हो, फिर तुसीं आह प्याज भुन ले, तो बाद च तुसीं कच्चे प्याज पा दिओ। जिथे मैं आलू पाऊंगी उहदी जगह ते तुसीं प्याज पा सकदे हो। कई लोग इस बड़ियां नूं प्याज पा के भी बनाउंदे ने, फिर भी इह बहुत ज़्यादा स्वाद बनदी आ। लो जी, हुण इत्थे आपां पावांगे लूण मिर्च ते हल्दी, बेसिक जे मसाले जिन्हां बिना सब्जी नहीं बनदी। किसी आपां नूं होर मसाले की लोड़ नहीं, कोई आपां गर्म मसाला नहीं पाउणा, कोई धनिया नहीं पाउणा, कोई आपां चाट मसाला नहीं पाउणा, क्योंकि इहनूं बहुत ज़्यादा सोच समझ के पहले ही बनाया होया। बड़ियां नूं बहुत ज़्यादा हाई लैवल ते इहदे च मसालियां की मात्रा हुंदी आ, इहदे च हिंग वगैरह सारा कुछ हुंदा, सुक्कियां लाल मिर्चां हुंदियां ने, धनिया हुंदा, जीरा हुंदा, सौंफ हुंदा, अजवाइन हुंदा, तकरीबन हर मसाला इहदे च पाया जांदा। जे तुसीं इहदे च ओवरलोड मसाले पाओगे उहदा स्वाद नहीं आउणा सब्जी दे विच्चों, बल्कि उह पहलां वाले पाए हुए मसालियां नूं वीट कर दू, सिर्फ कल्ले मसालियां दा स्वाद आउणा, बड़ी दा स्वाद नहीं आउणा। सो बिल्कुल भी मसाले ना पायो, सिंपल तरीके ना बनायो, बाकी तुहाडी मर्जी आ, चॉइस अपनी आ, आपो अपने हिसाब नाल सारिआं ने खाणा, जिवें तुहानूं ठीक लग्गिआ तुसीं बना सकदे हो। लो जी, थोड़ा जिहा पाणी आपां पहलां पाता सी तां कि मसाले सड़न ना, जदों उह भुज गए मसाले उहनां ने घिओ छड़ता, तां थोड़ा जिहा पाणी आपां हुण पाता। इहनूं आपां ढक के पकावांगे जदों तक टमाटर आ जिहड़े आपणे चंगी तर्हां गल नहीं जांदे, सॉफ्ट नहीं हो जांदे। लो जी, दुबारा इहने तेल छड़ता, 1 तों 1.5 मिनट हो गया सी, मैं विच्चों दी पहलां वी हिला गई सी, हुण आपां होर हिला के इहनूं भुन्न लैंदे हां। जिन्ना वधिया आपां मसालियां नूं भुन्नांगे उन्नी ज़्यादा स्वाद अपनी सब्जी बनूगी। मसाले भुज्जण ते खड़े ने, ते हुण आपां इहदे च उन्ना क पाणी पा देना जिन्ना आपां नूं सब्जी 'च चाहिए, ते इहनूं आपां उबालांगे। जिन्ना भुन्नना जरूरी है उन्ना उबालना जरूरी है। जे तुसीं मेरियां वीडियोज़ लगातार पिछे तो देख रहे हो तां तुहानूं पता वी आपां मसाले नूं जरूर उबालदे हां, इहदे नाल स्वाद दुगणा हो जांदा, ते बाकी मसाला चंगी तरह घिओ छड़ दिंदा, जिहड़ा आपणे रंग आ सब्जी दा बहुत ज़्यादा वधिया आउंदा इहदे नाल। लो जी, मसाला अपना उबल गया सी, ते हुण आपां इहदे च पाते आलू। जे तुसीं आलू नहीं पाउणे तां इत्थे तुसीं प्याज पा सकदे हो, अपने हिसाब नाल तुसीं बना सकदे हो। इत्थे मैं आलू पाई सी, बस 1 मिनट वास्ते ढकी सी, ते नाल ही मैनूं लग्गिया वी पाणी घट आ, थोड़ा जिहा पाणी आपां होर पा दांगे, ते हुण आपां इहनूं ढक के पक्कण देवांगे। लो जी, आपां चैक कर लैंदे हां, 1.5 मिनट हो गया सी, उबाला आ गया अपनी सब्जी दे विच, ते दुबारा फिर आपां इहनूं ढक दांगे। चार पंज मिनट हो गए सब्जी पकदी नूं, आपां दुबारे देख लैंदे हां, कड़छी मार लैंदे हां, पता लग जूगा वी किन्नी क संघनी पतली आ। जे तुहानूं कई वारी पाणी घट लगदा हुंदा तां तुसीं इत्थे पाणी पा सकदे हो, पर पाणी ज़्यादा तुसीं पाणी नूं गर्म करके पाया करो, जां फिर पाणी पा के कड़छी ना मारिया करो जद तक पाणी गर्म नहीं हुंदा। लो जी, सब्जी अपनी बण गई, तुसीं देख लो बहुत ज़्यादा स्टीम है इहदे च, ते कई वारी रंग भी नहीं आउंदा अपने कैमरे दे लैंस ते ना, स्टीम जम जाती है कई वारी, फिर रंग काला जाना शुरू हो जाता। लो जी, देख लो बिल्कुल कैमरे च जिहो जिहा रंग आया उहो जिही अपनी सब्जी का रंग बन के तैयार होया, संघनी पतली, तुसीं अपने हिसाब नाल रख सकते हो। तो हुण आपां इहनूं करांगे सर्व बाटी दे विच, वड्डी कौली नूं मालवे दे विच वाटी बोलिया जांदा, ते उत्ते आपां पावांगे देसी घिओ, ते नाल आपां लवांगे जी रोटी। देसी घिओ नाल ही चोपड़ के बहुत ज़्यादा स्वाद इह सब्जी बनदी आ। जे तुसीं एक वारी मेरे तरीके नाल बना ली तां हर वारी इसे तरीके नाल बनाओगे। लो जी, देख लो, मैं तुहानूं बुरकी तोड़ के भी दिखाउनी आ, आलू वगैरह अपने प्रॉपर सॉफ्ट होए हुए ने, बाकी तुसीं चैक करके उतार सकते हो भी तुहाडी सब्जी बनी आ जां नहीं। तुसीं जरूर बनायो क्योंकि इहदे च कोई बहुते मसालियां दी लोड़ नहीं पैंदी, ते बहुत टाइम नहीं लगदा, ते सौखे जे तरीके नाल बन के तैयार हो जाती आ। अपनी फैमिली नूं बना के खवायो, ते फिर मैनूं सोहणे सोहणे कमेंट करके जरूर दस्सियो भी तुहानूं मेरी वीडियोज़ किवें लगियां। चलो जी, मिलते हैं आपां किसी होर नवी वीडियो दे नाल, तद तक लई सारे जाने अपना ख्याल रखियो, हसदे वसदे रहो, खुश रहो, वीडियो देखने लई सारयां दा बहुत बहुत